घंटी बजाओ में हम उन्हीं मुद्दों की समस्याओं की पड़ताल करते हैं जिनसे आपके जीवन में बदलाव आता है। तो बहुत जरूरी है इस सिस्टम और सरकार से जवाब मांगना। आज आपको दिखाएंगे कोरोना पर भारी नेताओं की भीड़ वाली महामारी की तस्वीर। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के बागियों के स्वागत में कोरोना के तमाम नियमों की धज्जियां तो उड़ाई ही, एक तरह से चुनाव आयोग को खुली चुनौती दी गई। जी हां, चाहे चुनावी रैलियां जनसभाएं रोकने का आदेश हो, नेताजी को क्या फर्क पड़ता है, उनके लिए कुर्सी की कबड्डी में सिर्फ जीतना मायने रखता है। आप जब लखनऊ में हुए समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम की तस्वीरें देखेंगे दंग रह जाएंगे। कोरोना महामारी के नाम पर बीजेपी सरकार को हर मौके पर घेरने वाली समाजवादी पार्टी खुद इस महामारी को लेकर कितनी संजीदा है, आप इसका अंदाजा खुद लगाएं। उनके दोहरे चरित्र ने कई सवाल खड़े किए, तो आज इसी के खिलाफ आप घंटी बजाएं। हमारा नंबर है 8422840000। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे, क्या चुनाव कब आएगा? मंच के ठीक सामने की ये भीड़, डराने वाली ये भीड़। हम लोग इलेक्शन कमीशन के जो जो नियम है उनका पालन करेंगे। इस भीड़ में मास्क बिल्कुल नदारद है। अगर कोरोना महामारी नहीं होता, भाजपा की स्कूलें आज ही गिरा दी गई होती। कोरोना है ही नहीं, डर डर खुदा डर बैठा दिया। पश्चिम बंगाल में सरकार बनानी थी तो मास्क नहीं देखा गया, आज उत्तर प्रदेश में मास्क की बात करते हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। चुनाव आयोग कहता है तो कहता रहे। जी की अनुमति से अपने पूरे साथियों, कोरोना फैलता है तो फैलता रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष आशीष हाथरस, सारे नियम जाए आड़ में, बस नेताजी का चेहरा चमकता रहे। यही है सियासत का वो सच जिसके आगे कोई कानून कोई आदेश टिक नहीं पाता। लखनऊ से ये तस्वीरें ऐसे दिन सामने आई जब देश में हर दिन कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 3 लाख की तरफ बढ़ चला है। पर इन नेताओं को इसे क्या मतलब? इनके लिए लाखों का बीमार होना मायने नहीं रखता, इनके लिए लाखों की भीड़ मायने रखती है, क्योंकि इस भीड़ से ही इनकी राजनीति चलती है। मौका था बीजेपी के बाकी नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होने का। चाहते तो ये काम बिना भीड़ जुटाए भी कर सकते थे, लेकिन मकसद तो अपनी ताकत दिखाना था। इसीलिए लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लगा दिया गया कोरोना का मेला। आपका विक्रमाजीत मार्ग पूरा, कालिदास मार्ग पूरा, कालिदास विक्रमाजीत को जोड़ने वाला मार्ग पूरा, लॉ एंड का पूरा मैदान इन कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा हुआ है, पटा पड़ा हुआ है। अगर कोरोना महामारी नहीं होता, निर्वाचन आयोग का आचार संहिता नहीं होता, तो आज रमाबाई अंबेडकर मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा की चूले आज ही हिला दी गई होती। बीजेपी से बगावत कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य आज इस मूड में आए थे कि कोरोना सामने आ जाए तो उसकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे, और उनके इस मूड का पूरा मजा ले रहे अखिलेश यादव भी मानो ये ठान कर बैठे थे कि चुनाव आयोग को जो करना है कर ले, हम तो अपने मन की करेंगे। इसीलिए मंच पर चुनाव आयोग को चिढ़ाता हुआ ये पोस्टर लगाया गया और इस वर्चुअल के नाम पर जमकर तमाशा किया गया। ये जो वर्चुअल नाम आ गया कि वर्चुअल रैली होंगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लोग अपनी बात कहेंगे, ये सही है कि वर्चुअल और डिजिटल में भी हम लोग जानते हैं चीजें, लेकिन जो ताकत हमारे कार्यकर्ताओं में फिजिकल है
उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वर्चुअल और फिजिकल के इस खेल में चुनाव आयोग के साथ साथ कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए इन नेताओं को देखिए, लगभग सबके चेहरे से मास्क गायब है। जिसने लगाया था उसने भी चेहरा दिखाने के लिए मास्क नीचे खिसका दिया। इसके बाद बिना मास्क लगाए ही स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे गले भी मिलने लगे। आयोग ने जिस डर की वजह से जो रैली थी उन पर प्रतिबंध लगाया था वो कहीं ना कहीं वॉयलेट होता समाजवादी पार्टी दफ्तर में दिख रहा है, और दफ्तर के अंदर हो या दफ्तर के बाहर भीड़ है, और ये भीड़ लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी में भीड़ हो रही है, लेकिन ये जो भीड़ है ये भीड़ बहुत दिन बाद देखने को मिली है। और इस तरीके से जो भीड़ बुलाई गई है खुद कोविड प्रोटोकॉल का सीधा सीधा उल्लंघन। इस वक्त आप देखिए कि अगर मंच पर मैं बात करूं, विधायकों में चौधरी अमर सिंह मास्क नहीं लगाए हैं, उनके ठीक बगल में विनय शाके जो कि पैरालाइज हैं वो मास्क में है, उसके बगल में रोशन लाल वर्मा मास्क में है लेकिन मुकेश वर्मा ने मास्क नहीं लगाया है, पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी ने मास्क नहीं लगाया है, स्वामी प्रसाद मौर्य भी मास्क अपने गले पे लगा के रखे हुए हैं। मंच पर मौजूद नेताओं का ये हाल हो तो सामने मौजूद समर्थक और कार्यकर्ताओं से कोई उम्मीद कैसे की जाए। ये भीड़ देखिए, हजारों की तादाद में ये लोग पहुंचे हैं आज ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी में। स्वामी प्रसाद मौर्य की है क्या अंकल जी, क्या लग रहा है स्वामी जी फायदा देंगे? बहुत पूरा पूरा फायदा मिलेगा, समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। अरे वो तो सरकार बना लेगी, कोविड फैला हुआ है, आप क्या ना मास्क लगाए है, कुछ किए नहीं है, डर नहीं लग रहा है? मास्क लगा हुआ है लेकिन अभी हमने पानी पिया है इसलिए मास्क हटा दिया है। मास्क नहीं लगाया, डर वर नहीं लग रहा है? क्या भीड़ है यहाँ पे, मास्क नहीं लगाया आप, डर नहीं लग रहा? अरे साहब मास्क लगा लेंगे, मास्क कोरोना है ही नहीं, डर डर झूठा डर बैठा दिया गया। आयोग फालतू में रोक दिया क्या, चुनाव आयोग रैली रोका है, फालतू रोका है? नहीं झूठा है। सवाल है कि चुनाव आयोग के आदेश के बाद ये रैली कैसे हुई? प्रशासन ने ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिया कि उनसे कोई परमिशन ली नहीं गई। बाद में कार्रवाई के नाम पर महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। तो समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के आदेश की धज्जियां कैसे उड़ाई वो आपने देखा, और अब घंटी बजाओ में बात कोरोना के मेले की। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान आज लाखों की भीड़ जमा हुई। हम घंटी बजाओ में काफी दिनों से इस आयोजन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग यहां पहुंच रहे हैं वो जब अपने घरों की तरफ संक्रमित होकर लौटेंगे तो इस खतरनाक बीमारी के वाहक बन चुके होंगे। पिछली बार कुंभ मेले के दौरान क्या हुआ था हमने देखा था, वहां पहुंचने वाले लोगों ने कैसे ये बीमारी फैलाई। सवाल यही, इन सब के बावजूद सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि लोगों की जान बचाने के लिए मेला रद्द नहीं किया गया? आपको हम बता दें, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने ऐसे मेलों को कोविड के मद्देनजर रद्द कर दिया है। इस भीड़ को देखिए और सोचिए, क्या देश वाकई कोरोना की तीसरी लहर से लड़ रहा है? जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग दिखाई देंगे, और उनमें से ज्यादातर बिना मास्क के। ये प्रयागराज का वो माघ मेला है जिसे लेकर एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल उठा रहा है कि कोरोना काल में इस तरह के आयोजन की जरूरत क्या है, लेकिन सरकार और प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा रहा। नतीजा ये, पहले ही दिन यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी, और वो भी तब जब मेला क्षेत्र में अब तक करीब 70 लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। सवाल है कि आखिर क्यों जानबूझकर लाखों लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है? आज से माघ मेले की शुरुआत होने के बाद जब यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ इस तरीके से आएगी, एक दूसरे से सटकर खड़ी हो रही है, कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं, आधे से ज्यादा लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है, अगर इन भीड़ की सही तरीके से जब टेस्टिंग की जाएगी तो आंकड़ा किस तरीके से बढ़ सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस बात की आशंका जताई जा रही है कि आस्था का ये मेला देश में कोरोना का स्प्रेडर बनकर ना रह जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह 2 दिन पहले ये दावा कर चुके हैं कि माघ मेले में लोगों की सुरक्षा की इतनी व्यवस्थाएं की जाएंगी कि इसके कारण
कोरोना फैलने का सवाल ही नहीं उठता। जमीन पर मौजूद प्रशासन भी ऐसा ही दावा करने को मजबूर है। हम लोगों की तरफ से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो कोविड प्रोटोकॉल की दृष्टि से हो। जो हमारे 16 एंट्री गेट हैं उन पे सब पे चेकिंग की व्यवस्था की जा रही है। घाटों पे आपने देखा होगा कोविड हेल्प डेस्क लगाई गई है। काफी लोगों में जागरूकता भी आई है, काफी लोग मास्क लगाए दिख भी रहे हैं। लेकिन जो कुछ कहा जा रहा है क्या वाकई ऐसा हो रहा है, इसी की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज की टीम ने मेले के अलग अलग इलाकों का जायजा लिया। संगम तट से लेकर मेले के एंट्री पॉइंट तक हमें कहीं भी सरकारी अमला किसी तरह की जांच करता नजर नहीं आया। लोग बेरोक टोक आ जा रहे थे। जो सरकारी अमला लगातार दावे कर रहा था कि हम सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही एंट्री देंगे, इसके साथ साथ 48 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी, वो सारे दावे जो है वो हवा हवाई साबित हो रहे हैं। सरकारी फाइलों तक कैद होकर सीमित रह गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं इनमें से 70% से ज्यादा ऐसे हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं लगा रखा है। यही नहीं, जब इन लोगों से हमने सवाल किया कि क्या उन्हें खुद अपनी फिक्र नहीं है, आखिर क्यों वो इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, तो एक से बढ़कर एक जवाब मिले। पूजा अर्चना करने के लिए इतनी भीड़ में आया, आपको डर नहीं लगा? माँ गंगा मैया उसमें दर्शन कर नहाने में कोई कोरोना का कोई वो नहीं है डर। कोरोना से डर लगता है? डर तो लगता है सर, पर भगवान से बड़ा कुछ नहीं होता सर, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है सर। कोई हमको डर नहीं, हम रनिंग करने वाले बंदे हैं। गंगा जी का कृपा है, योगी जी का राज है, कोई डर है ये नहीं है। कोविड नियमों को लेकर लोगों का ये रवैया इसीलिए चिंताजनक है क्योंकि ये भीड़ सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं है। यहाँ आने वाले लोग लौट कर अपने अपने घरों तक जाएंगे, जिसका मतलब अगर यहाँ संक्रमण फैला तो इन लोगों के जरिए वो दूसरे प्रदेशों और शहरों तक पहुंचेगा। मुंबई का सबसे घना बसा इलाका है धारावी। एक एक कमरे के मकान में 10-10 लोगों के परिवार बसते हैं। एक एक कोठरी में कई मशीनें, हर दूसरे तीसरे मकान में कोई ना कोई फैक्ट्री। कोरोना जैसी आफत के लिए कहर बरपाने का इससे बेहतर इंतजाम नहीं हो सकता। लेकिन धारावी ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर को भी जिस तरह से मात दी है वो काबिले तारीफ है। तो आखिर क्या है धारावी का कोरोना को नॉकआउट करने का ये फॉर्मूला, आप देखिए हमारी खास पेशकश। ये है मुंबई का धारावी इलाका, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, जहां 2.5 वर्ग किलोमीटर में बसते हैं 8 लाख से ज्यादा लोग। तीसरी लहर में भी धारावी का इलाका बना कोरोना हॉटस्पॉट। यहां 24 घंटों में 150 से ज्यादा तक कोरोना के मामले दर्ज हो रहे थे, जिस वक्त पूरे मुंबई में 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। इसके बाद धारावी में लोगों की सेवा के लिए मोबाइल वैन तैनात किए गए, जहां नागरिकों को अगर कोरोना के लक्षण महसूस होते तो वो तुरंत जाकर टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहां 5 क्लिनिक भी बनाए गए, जिसमें डॉक्टर अपनी टीम के साथ लोगों की जांच करते हैं। तीसरी लहर में अकेले धारावी से कुल 7,776 मामले दर्ज हो चुके हैं, वहीं 500 से ज्यादा मामले एक्टिव हैं। हालांकि सारे मामलों में 85% में कोई लक्षण नहीं देखे गए। बीएमसी का जी नॉर्थ वार्ड वॉर रूम भी नागरिकों की लगातार टेस्टिंग कर रहा है। बीएमसी की कोशिश है कि लोगों का जल्द से जल्द टीकाकरण भी हो जाए। मैं फिलहाल मुंबई के धारावी में हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इलाका कुछ ऐसा है, झुग्गी बस्तियां हर तरफ हैं, जो लोग हैं हर तरफ है। इसी बीच यहाँ पर एक दवाखाना स्थित है। ये जो दवाखाना है, इस दवाखाने का नाम है कुंभारवाड़ा दवाखाना। और इस दवाखाने के अंदर डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो हर रोजाना यहाँ पे आते हैं। और जो यहाँ पे लोग रहते हैं, नागरिक हैं यहाँ के, वो यहाँ पर आते हैं और अपना टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि धारावी में जो संख्या थी मरीजों की काफी बढ़ गई थी, जिसके चलते ये जो केसेस हैं अब फिर से उभर रहे हैं, फिर से अब जो केसेस हैं कम हो रहे हैं। लास्ट वीक में हमारा टोटल एंटीजन आरटीपीसीआर मिला के 70+ टेस्टिंग हुई थी,
78 टोटल काउंट आ रहे थे और अभी ये पर डे टेस्टिंग हमारा मंडे से थोड़ा कम हो गया है। इतनी घनी आबादी, साफ सफाई की कमी, सोशल डिस्टेंसिंग, नदारद, अशिक्षा का माहौल, धारावी को कोरोना के मामले में बचाने के पीछे एक नहीं कई अड़ंगे थे, लेकिन बीएमसी की लगातार कोशिश और यहां रहने वाले लोगों में सहयोग की भावना ने वो कर दिया जो किसी चमत्कार से कम नहीं। तीसरी लहर में धारावी को बचाने वाली सबसे बड़ी ताकत जो बना वो है वैक्सीनेशन। ये तस्वीरें मुंबई के धारावी में मौजूद सरकारी अस्पताल की हैं। अस्पताल में सुबह से ही बुजुर्ग बड़ी संख्या में बूस्टर डोज लेने पहुंच रहे हैं। बुजुर्गों के साथ साथ हॉस्पिटल में काम करने वाली महिला नर्स, हॉस्पिटल के डॉक्टर और फ्रंटलाइन वर्कर भी बूस्टर डोज लेने पहुंचे। वैसे तो देश भर में लोगों को बूस्टर डोज देने का काम जोर शोर से जारी है, लेकिन धारावी जैसे इलाके में लोगों का बूस्टर डोज को लेकर उत्साह देखते ही बनता है। देश में बूस्टर डोज की शुरुआत हुई हो और उसमें धारावी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना के मामले में महाराष्ट्र अव्वल नंबर पर है, मुंबई कोरोना संक्रमित शहरों के मामले में पहले नंबर पर है और मुंबई में धारावी सबसे ज्यादा संक्रमित इलाका है। कोरोना की पहली, दूसरी और संभावित तीसरी लहर में धारावी लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ रहा। बीते एक हफ्ते की बात करें तो अकेले धारावी में 600 से ज्यादा मामले सामने आए। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के धारावी इलाके के वैक्सीनेशन सेंटर में। एक्चुअली जो वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम है वो पूरे देश भर में चल रहा है, लेकिन धारावी इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि धारावी में अगर आप पहले दूसरे दौर की बात करें और संभावित तीसरे दौर में भी धारावी जो है वो लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। बीते अगर 7 दिन की मैं बात करूँ तो 600 से ज़्यादा जो मामला है वो अकेले सिर्फ धारावी में है। ऐसे में अगर धारावी के लोगों में बूस्टर डोज को लेके इस तरीके का उत्साह जो है वो अपने आप में सराहनीय है। क्या इंतज़ार था क्या इस बूस्टर डोज का? हम लोग के लिए बूस्टर डोज लेना एकदम जरूरी है क्योंकि हम लोग के सेफ्टी भी हमारा जरूरी है। बूस्टर डोज जरूरी है प्रिकॉशंस के लिए, डोज लेने से बहुत सीवियरिटी कम हो रही है। धारावी अगर तीसरी लहर की चपेट में पूरी तरह से आ जाता तो आंकड़ों के मामले में ही नहीं बल्कि मृत्यु के मामले में भी मुंबई नंबर एक शहर बन जाता। अगर ऐसा बुरा नहीं हुआ तो तारीफ के काबिल हैं धारावी के लोग, धारावी में काम करने वाली सरकारी और नगर निगम की मशीनरी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में धारावी ने न सिर्फ सबकी इज्जत बचाई बल्कि बहुत बड़ी मानवीय चिंता से भी दूर रखा। तो आखिर धारावी ने कैसे जीती ये तीसरी जंग, आप देखिए रिपोर्ट। ये हैं किरण दिखावकर, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर बीएमसी। धारावी का इलाका इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। इनका कहना है जब पूरी मुंबई और देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे थे तब धारावी में भी हर रोज 150 से ज्यादा मामले सामने आने लगे। ऐसे सघन इलाके में मामलों का इस तरह से बढ़ना बहुत बड़ी त्रासदी को जन्म दे सकता था, इसीलिए बीएमसी की टीम ने लोगों के पास पहुंचकर उनकी जांच की। जो लोग संक्रमित पाए गए हैं उन्हें तत्काल आइसोलेट करना और जो लोग स्वस्थ थे उनका वैक्सीनेशन स्टेटस पता करके वैक्सीन लगाने का काम किया गया। ओवरऑल मुंबई में ही काफ़ी ये तादाद में केसेस देखने को मिली हुई है, तो उसके हिसाब से धारावी में भी वो आंकड़ा 150 तक चला गया था। एक दिन में 150 केसेस मिल रहे थे, 147 केसेस मिल रहे थे, तो हमने वही सैनिटाइजेशन और त्रिसूत्री जो है वैक्सीनेशन पे ध्यान देना, पूरे टॉयलेट्स का, कम्युनिटी टॉयलेट्स का सैनिटाइजेशन करना और फ्री टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कर देना। कोरोना के 3 इलाज, सैनिटाइजेशन, पब्लिक टॉयलेट की सफाई, वैक्सीनेशन, जिन्हें टीका नहीं लगा उन्हें टीका, फ्री टेस्टिंग, लक्षण हो या नहीं टेस्टिंग सबकी। इस 3 सूत्री फॉर्मूले ने धारावी जैसे सघन बसे इलाके को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। धारावी में लोग ज्यादा भीड़ भाड़ से बसते हैं तो ये भी बीएमसी की ताकीद का असर है। भले ही धारावी में अशिक्षा ज्यादा हो लेकिन समझ की कमी नहीं और लोग जानते हैं सरकार की कोशिश उन्हें सुरक्षित रखने की है।
और तरह तरह के कयासों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज काफी दिनों के बाद किसी पब्लिक फंक्शन में दिखाई पड़े। उद्धव बीएमसी की नई व्हाट्सएप सेवा को वर्चुअली मौजूद रहकर लॉन्च करते नजर आए। कई महीनों के बाद दरअसल इस तरीके से किसी सार्वजनिक समारोह में वो दिखे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीएमसी की नई व्हाट्सएप सेवा का उद्घाटन करते हुए इस मौके को ऐतिहासिक बताया। विलंब न लावता ते दिल म्हणून समजा। इस मौके पर ठाकरे ने कहा कि मुंबई देश का पहला नगर निगम है जो व्हाट्सएप चैट बॉट के माध्यम से लोगों को उनके दरवाजे पर 80 से अधिक सेवाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा ये दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल ने वर्क फ्रॉम होम सुविधा को और भी अधिक सुगम बना दिया। समारोह के दौरान महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे, मुंबई की महापौर किशोरी पेडणेकर, नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल और वरिष्ठ नागरिक अधिकारी मौजूद थे। पिछले कुछ महीनों से उद्धव मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि उनके हिस्से का सारा काम उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे देखने लगी हैं। बीजेपी ने इसे मुद्दा भी बनाया और कई दिनों तक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चला। ऐसे में अब खुद सामने आकर ऐप लॉन्च में हिस्सा लेकर उद्धव ने संदेश देने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक ठाक है। अब इसके बाद आगे क्या रहती है विपक्ष की रणनीति, उस पर गौर करने की जरूरत होगी। ABP News आपको रखे आगे।